ये कहती है करीबन 3 साल पहले ये बहन नौकरी नहीं करती थी और ये कहती है कि मैं नौकरी ढूंढ रही थी, उसी दौरान किसी ने मुझे बताया कि एक ब्यूटिशियन का जॉब है, क्योंकि इन्होंने ब्यूटिशियन किया है। तो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि वहाँ पे जो सैलरी है तुम्हें केवल 4,000 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर ये कहती हैं क्योंकि मैं कलीसिया आती हूँ और शुरुआत ये एक्चुअली इससे ना चाहती कि दरअसल इनकी मम्मी पहले चर्च आती थी और ये जो बहन है ये केवल अपनी मम्मी को चर्च से घर ले जाने के लिए आती, और इन्हें लगता था कि मैं कलीसिया नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है यीशु के बारे में सिखाते हैं या धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये कहती है कि मुझे क्रिस्तियों से या यीशु से कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर मुझे चर्च आना पसंद नहीं था। पर एक दिन भी अपने मम्मी को लेने आई थी, ये कहती है मैं पीछे रुकी थी और तब मैंने सुना कि पास्टर ने कहा कि यीशु धरती पर कोई धर्म स्थापित करने नहीं आए, यीशु प्रेम का परमेश्वर है, वो हमें पाप से छुड़ाने आए, हमारा बचाव करने आए। आमेन। तो ये कहती है कि उस बात ने मुझे इतना छू लिया और मुझे लगा कि यीशु जैसे मैं हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही ग्रहण करेंगे। तो ये कहती है वो उस दिन के बाद से मैं चर्च आने लगी, मैं वचन सुनती थी जो पास्टर सिखाते थे या भाई केनेथ सिखाते थे। तो ये कहती कि मेरा यीशु में विश्वास बढ़ने लगा। और उसी दौरान जब नौकरी ढूंढ रही थी तो एक दिन भाई केनेथ ने इनसे कहा था कि आप परमेश्वर से जो भी मांगोगे परमेश्वर आपको देगा जब आप अच्छे और सच्चे दिल से उससे मांगते थे। तो ये कहती कि जब इंटरव्यू जा रही थी तो मैंने कहा कि प्रभु मुझे कम से कम 10,000 की नौकरी चाहिए। तो ये कहती जब मैं इंटरव्यू दिया तो जो मैडम है उन्होंने कहा कि आपको कितना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैं जानती थी 4,000 हद है, पर मैंने कहा मुझे 10,000 चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो ये बहन कहती है कि जैसे मैं वहाँ रुकी थी मैं वो वहाँ से उन्हें बोला गया कि ठीक है आप जितना चाहते हैं आपको उतने हम पगार देंगे, आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये बहन थी, मेरा विश्वास और बढ़ा कि हाँ प्रभु यीशु प्रार्थनाओं का जवाब देता है। कहती है कि जब से मैं कमाना शुरू किया मैं लगातार चर्च में अपना दशमांश अपना ऑफरिंग देती थी, कलीसिया के किसी भी काम में मुझे अपना हाथ बढ़ाना अच्छा लगता था। और ये कहती इसी दौरान जब एक बार भाई केनेथ के एल्बम का अनाउंस किया गया तो ये कहती कि मेरे मन में आया कि मैं अपनी पूरी पगार जो है वो दे दूँ। और मैंने ये कहती कि मैं अपने घर में अकेले काम करने वाली हूँ, कमाने वाली हूँ, पर क्योंकि मेरे मन में वो इच्छा आई तो मैंने अपना पूरा सैलरी उस एल्बम के लिए दे दिया, परमेश्वर के काम के लिए बोया। और ये कहती परमेश्वर इतना सुंदर है, किसी भी चीज़ की कमी पूरे पगार देने के बावजूद भी ये कहती हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, परमेश्वर ने बल्कि हमें और ऊंचा उठाया। इतना ही नहीं ये कहती है कि उसके बाद मेरी नई नौकरी लग गई और प्रभु ने मुझे वहाँ पे ही इतना ऊपर उठाया है। आज ये कहती है मैं 70-80 नहीं 1,00,000 के ऊपर कमाती हूँ महीना, परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है। और फिर ये कहती है कि मैंने सोचा कि मैं अपने लिए घर खरीदूँ, परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद किया है। तो ये कहती है जब मैं घर ढूँढ रही थी तो मुझे घर नहीं मिल रहा था, पर एक चर्च में ही ये कहती है कि किसी ने मुझे बताया और मैंने एक लैंड देखा। ये कहती है कि मैंने तय किया था मैं केवल आधा घंटा ज़मीन लूँगी उसमें घर बांधूँगी, पर परमेश्वर इतना महान है जब ये डील करने गई ये कहती है कि एक घंटा ज़मीन इनके बजट में जितना पैसा इनके पास था उसी में उनको मिला। पर ये कहती लॉकडाउन के कारण कुछ गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, डॉक्यूमेंट्स के कुछ रूल चेंज हो गए, और जब इन्हें पैसे देना था तो ये कहती मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा जो मेरे ज्वेलरी है या वो मैं बेचूं। उसी दौरान ये बहन कहती मैंने अपना जो लैंड का मैप है वो पास्टर को भेजा और मैंने कहा कि मेरी इच्छा है मैं ये लेना चाहती हूँ, आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इसमें मदद करे। तो ये कहते कि पास्टर ने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना करूँगा तुम प्रभु पर विश्वास करो। तो ये बहन कहती है कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में थोड़ा समय लग गया, जिस दिन इन्हें अपने ओनर को पैसे देने जाना था ये कहती है कि मेरे अकाउंट में जितना मुझे देना है उससे ज़्यादा पैसा आ गया। ये कहती मैं नहीं जानती कि कहाँ से इतना पैसा आया, पर परमेश्वर ने मेरे हर ज़रूरतों को पूरा किया है। ये कहती मुझे एक रुपए का भी कर्जा या उधार नहीं लेना पड़ा, हर चीज़ का प्रबंधन परमेश्वर ने किया है और आज वो लैंड इनके नाम पर हो चुका है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। आमेन।